अभी हमारे बगल में एक महिला है जिनका नाम खुशबू सोनाली, ये नवादा की रहने वाली है। महिला विकास मंच में अपनी कंप्लेन करवाती है, इनकी तीन तीन शादियां हुई है। तीन शादियां में से पहले पति इनके गुजर जाते हैं, दूसरे पति से मतलब अफेयर चलता है, बातचीत होती है, वो लड़का इनको ऑर्केस्ट्रा में डांस करवाता है। धीरे धीरे बातचीत ऐसी बढ़ जाती है, प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। उसके बाद वो लड़का इनका प्रेग्नेंट कर देता है, प्रेग्नेंट के बाद बच्चा को गिरा भी देता है। इनसे बातचीत करेंगी, ये घटना कैसे हुई, कब स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये बताइए कि उस लड़के का नाम क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार, आप कहाँ के रहने वाली हैं? नवादा जिला। क्या कुछ हुआ ये बताइए। मैटर अभी कुछ नहीं हुआ है मैम, केस मेरा तो चल ही रहा है। लड़का जो है शादी कर लिया था, तो शादी किया उस दिन तो पता नहीं था, लेकिन बट जिस दिन बहू भात था उस दिन मुझे पता चला, तो महिला विकास मंच का टीम को बुलाया। अच्छा, बहू भात था यानी कि जो आपके पति है वो दूसरा शादी कर लिया? जी, दूसरे शादी कर। आपको ये बात पता थी? नहीं पता था। आपको नहीं बताया? नहीं। अच्छा, आपका प्यार कब कैसे स्टार्ट हुआ था? देखिए मैम, हम उससे प्यार वगैरह नहीं किए थे, ठीक है? प्यार नहीं करते? नहीं, हम उसके घर पे किराए के मकान में रहते थे और उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती। अच्छा, किराए के घर पे रहती थी, वो जोर जबरदस्ती करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने विरोध किया, सबको इकट्ठा किया, तो उनकी जो माता पिता है बोले कि बेटा केस मत करो, जो हमारे एक बेटा है, मेरा बेटा को लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो पैर उठ पड़ने लगे, बोले गलती किया तो मेरा बेटा तुमसे शादी करेगा। अच्छा। और रखेगा। उसी समय क्या हुआ, मेरी बुआ सास थी, मेरी ससुर, मेरी ननद, सबके सामने उन्होंने मेरा मांग भर दिया। और फिर सबके सामने मांग भर दिया, सबके सामने मांग भर के वो अपना घर में मुझे रखने लगा। शादी का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, किसी के मतलब उसका एक एविडेंस होता है? मेरे पास देखिए मैम, घर में सब मांग भर दिया था पूरा फैमिली के सामने, तो मेरे पास ऐसा कुछ भी सबूत इसलिए नहीं है मैम कि मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं। और लड़का क्या किया है मेरा कि जितना भी सबूत मेरे पास था उन्होंने ट्रंक से निकाल के चूर के जला दिया और मोबाइल भी मेरा चूर दिया। क्या क्या वो सबूत था आपका? मेरा शादी का प्रूफ था, मेरा साथ का रहने का प्रूफ था, सारा रिकॉर्डिंग मेरा सब कुछ था मेरे पास, सब चीज मेरा खत्म हो गया। शादी के कितने साल हुए थे? 5 साल। पहले पति कहाँ है आपके? गुजर गए। फिर आपका दूसरा शादी? हाँ, तो शादी कर ली अपना। अच्छा, तो उनसे कोई बच्चा बच्चा भी था पहले? एक बेटी है। तो ये बात पता था आपके दूसरे पति को? देखिए उनको पता चल गया था, हम उनका गलती कैसे दे सकते हैं, इसलिए जब मेरे साथ ये घटना हुआ था मैं अपना पति को बताई। अच्छा। मुझे वो छोड़ दी। अच्छा, वो छोड़ दिए? जी, तो मैं इसके साथ जीवन रहने लगी। अब ये बोलता हम नहीं रखेंगे, छुपे चोरी शादी कर लिया, हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं। अच्छा, वो बताए नहीं आपसे शादी कर लीजिए, दूसरे लड़के से शादी कर लीजिए? कभी आपने लाइफ में सोचा था कि मैं जिसके साथ रहना चाह रही हूँ, जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाह रही हूँ, आज वो मुझे इस मुकाम पे पहुँचा देगा? मैं कभी नहीं सोची थी। आप उस लड़के के लिए क्या क्या की? उस लड़के के लिए देखिए मैम, पूरा घर का पूरा बोझ रेशन उठाए हुए थे, पूरा बोझ रेशन माथा पे था मेरा। क्या क्या? घर भी मैं ही चलाती थी, उनका पिताजी का इलाज मैंने करवाया, लकवा मार दिया था, मैं दुकान खोल के दिए, दुकान पे ससुर जी बैठते, फिर लड़का को मैंने 7 लाख रुपया दिया, एक गाड़ी दिया। 7 लाख रुपया? 7 लाख, यानी समझिए कि आप एक दहेज दे दी। जी, खुद से दहेज दे दी, यानी 7 लाख रुपया दे देती हैं, एक अपाची गाड़ी दे दी। जी, अपाची गाड़ी दी, जो अभी मैंने अपना लाइफ में कमाया टोटल उनको मैंने दिया। अच्छा, स्टार्टिंग में वो क्या कहता था आपको? स्टार्टिंग में देखिए मैम, स्टार्टिंग में मुझे बोलता था कि रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कि ना तुमको जिंदगी में कभी छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ये प्रूफ तो आपको हम सबूत में दे सकते हैं, और मेरे पास वीडियो कॉलिंग होता था उसका प्रूफ है, मेरा साथ वाला भी फोटो एक है। अच्छा, वो सब आपको प्रूफ हम दे देंगे। अच्छा, डांस करने के लिए वो आपको फोर्स करता था या फिर आप खुद से? नहीं मैम, डांस करने के लिए फोर्स करता था। फोर्स नहीं करते थे तो मुझे पीठ में जला जला के मारता था छोली से। टॉर्चर भी करते थे? बहुत टॉर्चर करता था। अब वो बोलता हम नहीं रहेंगे मैम, अब वो शादी कर लिया तो मुझे घर में हक चाहिए, मुझे रहना है। अच्छा, तो दूसरी शादी क्यों कर लिया आपको? आप इतनी अच्छी हैं, इतनी सुंदर दिखती है, फिर वो क्यों दूसरी शादी? अब वो बोल, उनकी माँ बोली कि हम 3 बच्चा मैया का रखवे। अच्छा, अब उसकी माँ बोलती? जी, जब यानी कि स्टार्टिंग में आपने बताया होगा ना कि मैं 3 बच्चे की माँ, साथ में रहती थी। अच्छा, साथ में रहती, उन्हीं का घर पे। अब वो कह रहे हैं कि 3 बच्चे की माँ को रखेंगे? हाँ, बोलता है 3 बच्चे को माँ को रखेंगे, तुम तो किराएदार थी मेरा, किराए पे रहती थी। अच्छा, किरदार थी, अब किरदार नजर आ रहा है? अब किरदार नहीं, 3 साल के बाद किरदार नजर आ रहा है। मतलब आपकी बेटी वो सबको एक्सेप्ट कर लिए थे? जी, सबको। अब क्या कह रहे हैं, नहीं रखेंगे? नहीं, अब बोलते अब नहीं रखेंगे, हम 3 बच्चा मैया का रखेंगे। यानी कि जब शादी हुई थी आपके तो सास ससुर एक्सेप्ट किए थे? सब कर लिए थे, सबको एक्सेप्ट कर लिए थे। जी,
अब क्या चाह रही हैं आप? अब मुझे अन्याय चाहिए और कुछ नहीं। कहीं कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाई है? जी एसपी के पास है, डीआईजी के पास मैंने आवेदन दिया। फिर अभी तो कोर्ट चल, जैसे मैला थाना में केस था मेरा, तो ट्रांसफर हो गया कोर्ट, तो मेरा कोर्ट से केस चल रहा है। आप ये बताइए कि आपको डांस करने के लिए जब बोलता था किस तरीके का डांस करवाता था? मैम जैसे भी आता था हम स्टेज शो करते थे। स्टेज शो करते? जी स्टेज। कहाँ कहाँ करते? हर जगह करते, हर जिला में करते थे। वो लेकर जाते थे या फिर आप खुद लेकर जाते थे? कहाँ कहाँ ले जाते थे? आरा, बलिया, नवादा, बिहार शरीफ, रजौली। क्या क्या करती हैं? हम सिर्फ डांस करते हैं और मॉडलिंग और सिंगिंग। मॉडलिंग और सिंगिंग, ये करने के लिए इस लाइन में आपको किसने लाया? कोई बिना बताया आपको? बिना बताया। ये महिला थाना में भी कंप्लेन करवाई है, एसपी डीएसपी के पास भी गई है, और जिस लड़के से ये शादी की थी उस लड़की को भी इन्होंने बताया था कि मेरे पास 3-3 बच्चे हैं, लेकिन उसकी माँ और वो लड़का अब कह रहा है कि 3-3 बच्चे को हम माँ को रखेंगे। यानी इनको प्यार होता है उनके घर के किरदार से स्टार्ट होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में? क्या इनको इंसाफ मिलना चाहिए? यानी ये कमेंट करके आप बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, कमेंट करके आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।